देर के आज आप सब लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा, क्या किया जाए, क्या क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि भारत सरकार ने ग्रेजुएटी एक्ट पास किया कि 1 जनवरी 2016 से हर एम्प्लॉयज को मिलेगा, हर जो पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो सबके लिए एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन बैंकों ने जो इसको इम्प्लीमेंट किया वो 29 मार्च 2018 से किया, जो कि एक बहुत बड़ी अनियमितता है। एक तरफ सरकार कहती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, तो उस बारे में भी तमाम वो जो ग्रेजुएट एक्ट है वो बराबर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। साथ में सबसे बड़ी अहमियत जो मैं भी कह रहा था आप लोगों से कि 2014 में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया था जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि यदि किसी एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है बैंकों में तो उसके आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तमाम बैंकों ने इसमें कन्नी काटनी शुरू कर दी, कोई बैंक उस सर्कुलर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तीसरी बात जो हुई थी अभी पेंशन की बात हो रही है कि बैंकों में फैमिली पेंशन जो उन्होंने कहा 15% है वो 15% 6,000-7,000 रुपए फैमिली पेंशन मिलती है, जबकि आप लोग सब जानते हैं कि एक आदमी यदि 25,000-30,000-40,000 रुपए वेतन ले रहा हो और यदि उसकी डेथ हो जाएगी तो उसका परिवार 6,000 और 7,000 में क्या गुजारा करेंगे। तो सरकारों ने ये भी एक बहुत बड़ी अनियमितता है कि पेंशन का मुद्दा जो हम लोगों का है अभी वो लटका हुआ है, फैमिली का पेंशन कम से कम 30% होनी चाहिए जो भारत सरकार का अपना नियम है। और दूसरे जो है कि जो जैसी बात कही गई है कि पुराने पेंशन आपने अभी वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंट किया फौज में, तो कम से कम बैंकों में होना चाहिए कि जैसे वेज डिविजन होता है जब भी वेतन इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब वेतन लागू करते हैं आप, तो हम ये चाहते हैं कि पेंशन में भी संशोधन होना चाहिए, वेतन के साथ साथ पेंशन भी बढ़नी चाहिए, है ना।